आज हम बात करेंगे कि आप अपने डार्क और पिगमेंटेड लिप्स को यानी होठों को कैसे जो है वो फेड कर सकते हैं, कैसे लाइटन अप कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं। तो उस वैसे जो हमारे जो लिप्स होते हैं उसके डार्क होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक्स होता है, फिर आपकी अनहेल्दी डाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो लोग सूरज में एक्सपोजर जिनका होता है उनके लिप्स डार्क हो सकते हैं, उसके साथ साथ जो है जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उनके लिप्स भी डार्क हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बहुत ज़्यादा जो है लिप्स डार्क हो सकते हैं। लिप्स जो है यानी होंठ जो है वो हमारे फेस का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए इस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो यूजली जो है आज मैं जिस रेमेडी की बात करूँगी वो 100% 2 स्टेप वर्किंग रेमेडी है, और लेकिन जिनकी जेनेटिक्स की वजह से जिनके लिप्स डार्क और पिगमेंटेड है उन पर शायद ये इतना असर ना करे, लेकिन जिनके किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से यानी जिनके पहले जो है वो लिप्स बिल्कुल ठीक थे, पिंक थे, सही थे, और लेकिन बाद में जो है फिर वो डार्क हो गए, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैजिकल रेमेडी है, और उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस रेमेडी के लिए जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमने एक स्क्रब बनाना है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो हनी का लेना है। हनी जो होता है यानी शहद जो होता है उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे लिप्स के अंदर जो है मॉइस्चर को लॉक कर देता है और प्लम्पी बनाता है लिप्स को। तो वो आपने लेना है 1 टेबल स्पून, और फिर आपने लेना है 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन भी बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, और वो जो हमारे लिप्स होते हैं उस पर से इरिटेशन को कम करता है और नेचुरली जो है उनको लाइटन भी करता है और ब्राइट भी करता है। और उसके अलावा आपने जो चीज़ लेनी है वो है 2 टेबल स्पून शुगर के। शुगर जो होती है वो नेचुरल एक्सफोलिएंट होती है, वो हमारे जो लिप्स की डेड स्किन सेल होते हैं वो सारे जो है वो हटा देती है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में जो है आपने अपने होठों पे इसको जो है आपने मसाज करना है 1 से 2 मिनट के लिए। लेकिन आपने ओवर स्क्रबिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको ज़ोर ज़ोर से ओवर स्क्रबिंग करेंगे तो आपके लिप्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो आपने इसको हल्के हाथ से करना है, फिर 1 से 2 मिनट आपने इसकी मसाज करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए लगा छोड़ देना है, और फिर आपने इसको वाइप कर लेना है। सेकेंड स्टेप में जो है हमने एक मास्क बनाना है, जो लिप मास्क बनाना है उसके लिए जो है हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसमें सबसे पहले जो है आपको बीटरूट जूस लेना है 1/2 टेबल स्पून, यानी कि आपने चुकंदर का जूस लेना है। चुकंदर जो होता है वो नेचुरल लाइटनिंग एजेंट भी होता है, और आपके लिप्स को जो है वो एक अच्छा सा कलर भी दे देता है। तो आपने चुकंदर का जूस लेना है 1/2 टेबल स्पून, और उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो हाइड्रेटिंग होता है, लिप्स को प्लम्पी बनाता है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। और उसके साथ साथ आपने जो है इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून देसी घी का। देसी घी जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिप्स को नरिश करती हैं, उसमें इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, नरिश करता है, और बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन और मॉइस्चर उसके अंदर लॉक कर देता है। तो ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आपने अपने लिप्स के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए, और ये आपने रात में अप्लाई करना है, और फिर आप सुबह इसको वॉश कर लें। ये आपने 7 दिन तक आपने ये रेमेडी अप्लाई करनी है, और आपको फिर इसके मैजिकल रिजल्ट्स नज़र आएंगे।